इस किताबों के विश्व प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर बी स्वरूप रॉय चौधरी ने आज यहां प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेला में डायमंड बुक्स के स्टॉल पर अपनी नई किताब लेट योर सेकेंड हार्ट हेल्प का सार्वजनिक रूप से विमोचन किया। इससे पहले सिरी फोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रेस के सामने इस किताब को प्रस्तुत किया था। किताब में एक अनूठे नए अध्ययन का विवरण है जिसमें कहा गया है कि दिन भर बैठे रहने वाला काम करने के बावजूद पैर से सिलाई मशीन चलाने वाले दर्जी सबसे स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर ब्यासी के नाम से मशहूर डॉक्टर बी स्वरूप ने बताया कि सिलाई मशीन चलाते समय पिंडली की मांसपेशियां, जिन्हें अक्सर दूसरा हृदय भी कहा जाता है, ये सक्रिय हो जाती है जिससे रक्त का परिसंचरण तीव्र हो जाता है। पैर हिलाने की आदत अच्छी होती है और स्वस्थ रहने में सहायक है। इससे आयु बढ़ती है और डायबिटीज, हाई बीपी जैसे रोगों से बचा होता है। डॉक्टर ब्यासी की अन्य लोकप्रिय किताबों में प्रमुख है द सर्किडियन डॉक्टर, वेन क्योर इज क्राइम, फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, रैबिट टॉर्टाइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर, क्योर इट जीरो वोल्ट, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर, 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, डायबिटीज फ्री वर्ल्ड आदि है। डॉक्टर ब्यासी ने कहा कि लेट द सेकेंड हार्ट हेल्प किताब पढ़कर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद कर सकता है अथवा HELP प्रैक्टिशनर बन सकता है। इसके लिए 2 माह के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेना होता है जिसमें दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर में 7 दिन का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी शामिल है। VAT पहले से ही हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और इस वक्त आप हैं डायमंड पॉकेट बुक के स्टॉल में और प्रगति मैदान में बुक फेयर में। और आज जो बात करने जा रहा हूँ, ये मेरी जो ये 30th मेडिकल बुक है और टोटल अगर देखें तो मेरी 50 साल की मेरी आयु है, तो 50 किताबें हमने लिखी है डायमंड पॉकेट बुक के साथ। और ये अंकुर जी हैं, डायमंड पॉकेट बुक के डायरेक्टर हैं, ओनर हैं। और हमारे साथ रमेश जी हैं और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, जो कि 100 देशों में जिनका नेटवर्क है, और उनके सीनियर एडवाइज़र। और जो टेक्नोलॉजी और जो ब्रेक थ्रू पिछले 25 साल में मैंने निकाला है और सर की मदद से वो पूरी दुनिया में और देश में लोगों तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्लान है। क्या इरादा है वो मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग थे, अभी 23 जनवरी को हमारा एक बुक लॉन्च था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था इस बुक पे, ये पब्लिक लॉन्च है, वो प्रेस लॉन्च था। तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि टेलर, जो पैर वाले जो टेलर होते हैं, जो पैर से अपना मशीन चलाते हैं, उनमें अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट आपको मिल जाए तो मैं आपको 1 लाख रुपये दूंगा। 23 जनवरी को, आज है 10 फरवरी सर, और इस 10 फरवरी, नमिता प्लीज़ कम, थोड़ा क्लोज में आ जाओ आप, या फिर आज तक भी हमें सिर्फ 3 लोगों ने चैलेंज किया कि हम टेलर भी हैं और हम डायबिटिक भी हैं। और हमने कहा चलो अपना वीडियो भेजा, 2 का वीडियो निकला कि उसके वीडियो में मोटर लगा हुआ था, मशीन में मोटर लगा हुआ था, यानी कि वो पैर नहीं इस्तेमाल करता है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। 1 ऐसी निकली जो पैर वाले उस मशीन से काम करती है और डायबिटिक भी है। मैंने कहा ये तो फेल हो गया। फिर थोड़ी हमने तफ्तीश की और तफ्तीश करके पाया कि 7 साल उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया और स्टेरॉइड लेने के बाद उनका पेनक्रियास पूरी तरह डैमेज हो गया और अब वो डायबिटिक है। बोलने का मतलब ये कि हेलमेट आपकी जान बचा सकता है, सिर्फ फूटने से बच सकता है, लेकिन हेलमेट की भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो इस मुहिम में सबसे पहले हमने कुछ महीनों से एक सवाल लोग पूछ रहे थे कि अचानक लोग खड़े खड़े मर जाते हैं, राइट? आप देख भी रहे हैं, यंगस्टर अचानक खड़े खड़े मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।